नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर आपके लिए एक और नए विषय पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है गारमेंट शोरूम, लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड। आपकी अपनी जगह है जिसमें लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड आपने परचेज किया है और इसके अंदर आप गारमेंट का शोरूम खोलने जा रहे हैं, तो एज पर वास्तु आपको सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि आपको स्टेयर्स अपने शोरूम के अंदर के भाग से ही बनानी है ताकि लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड दोनों अंदर से ही कनेक्ट हो जाए। तो ऐसे में स्टेयर्स कहाँ से बनानी है और अंदर का सेटअप किस प्रकार से करना है, इसके बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। जो शोरूम बना रहे हैं वो नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी है। ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। ईस्ट और वेस्ट, इसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर है और अपर ग्राउंड फ्लोर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसमें सेटअप कैसे करना चाहिए। आपने अपनी कमर्शियल बिल्डिंग बनी बनाई परचेज की है तो आपको सेटअप कैसे करना है। सबसे पहले तो जो आपका फ्रंट का भाग है यानी जो नॉर्थ का भाग है वो हमेशा ही साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि आपका रोड के लेवल से पहले तो कुछ स्टेप आप ऊपर चढ़ के जाते हैं और फिर लोअर ग्राउंड में जाने के लिए आप डाउन जाते हैं, और ऐसे ही अपर ग्राउंड पर जाने के लिए आपको 3 से 4 स्टेप ऊपर चढ़ के एक लैंडिंग मिलती है, उससे फिर आप अपने अंदर शोरूम में जाते हैं। आपकी अपनी बिल्डिंग के अंदर सेंटर के पार्ट से लोअर ग्राउंड में जाने का रास्ता है और लेफ्ट से और राइट से आपका अपर ग्राउंड पर जाने का रास्ता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अपने शोरूम के अंदर जाने के लिए जो रास्ता नॉर्थ ईस्ट का बनता है यानी लेफ्ट साइड का जो रास्ता बनता है, ये रास्ता आपका नॉर्थ ईस्ट का बनता है। यदि आप इस स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है कि आपके यहाँ जितना भी कस्टमर आएगा, ज़्यादातर कस्टमर आपके यहाँ से परचेजिंग कर जाएगा। आप यहाँ पर इस हिस्से में कुछ भी अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं, डमी लगा सकते हैं। जो आप यहाँ पर डमी रखेंगे वो डमी आपकी हर रोज बाहर आ जाएगी और फिर वापसी आपके अंदर चली जाएगी, ये एज ए डिस्प्ले हो जाएगी। आपने अपने शोरूम के अंदर आने का रास्ता जो बनाना है वो रास्ता आपने नॉर्थ सेंटर से यहाँ से आपने अपना अंदर आने का रास्ता बनाना है, क्योंकि आप रोड से जो स्टेप से चढ़कर आते हैं तो फ्रंट के भाग में एक हल्की सी पैसेज मिलता है, बालकनी मिलती है। यहाँ पर आने के बाद उसके बाद अंदर आने का जो रास्ता बनता है वो आप नॉर्थ सेंटर में बनाएं। नॉर्थ ईस्ट से गेट तक यहाँ पर आपने डिस्प्ले बनानी है और गेट के इस हिस्से से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक भी आप यहाँ पर डिस्प्ले बना सकते हैं। ऐसे ही आपने जो डिस्प्ले बनानी है वो साउथ में, यहाँ पे भी आपकी डिस्प्ले बन जाएगी और ऐसे ही आपकी वेस्ट में पश्चिम दिशा में भी आपकी अपनी डिस्प्ले बनेगी। ऐसे ही आप अपने ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में भी आप अपने डिस्प्ले बना सकते हैं, क्योंकि आपका अपना गारमेंट का शोरूम है तो उसमें डिस्प्ले तो होती ही है। आजकल स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, डिस्प्ले का सिस्टम है। जो सामान बाहर दिख रहा है वही बिकता है और सामान रखने के लिए एक अलग से स्टोर बना दिया जाता है। तो आपने अपनी जो डिस्प्ले बनानी है वो साउथ साइड में भी और वेस्ट साइड में भी और आपका अपना ईस्ट साइड में भी डिस्प्ले बनानी है। इसमें ध्यान रखना, जो आपकी साउथ साइड की डिस्प्ले है और वेस्ट साइड की डिस्प्ले है, ये दोनों डिस्प्ले आपकी हैवी होनी चाहिए। नीचे के भाग में आप हैवी स्टोरेज करें और ऊपर के भाग में आप डिस्प्ले करेंगे तो इससे आपके यहाँ वर्किंग हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, आपका शोरूम हमेशा ही प्रॉफिट में रहेगा। आपने अपने शोरूम में काउंटर कहाँ लगाने हैं? आपने अपने शोरूम में काउंटर, एक काउंटर तो आपका साउथ साइड में आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आपकी स्टोरेज हो जाएगी प्लस डिस्प्ले हो जाएगी। ओनर की जो सीटिंग बनानी है वो सीटिंग आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में, यहाँ पर ओनर की सीटिंग हो जाएगी, यहाँ पर आपका अपना ओनर बैठेगा और उसके राइट हैंड में एक अपना कैश रोड होगी, यहाँ आपका अपना कंप्यूटर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी अपनी सीटिंग हो जाएगी। ऐसे ही एक काउंटर और जो बनाना है वो काउंटर आप अपना यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी आपका अपना स्टाफ खड़ा हो जाएगा और इधर आपका अपना कस्टमर आकर
खड़ा हो जाएगा जिसको आप सामान दिखाएंगे, गारमेंट्स दिखाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी आपका अपना स्टाफ खड़ा होगा और यहाँ पर आपका अपना कस्टमर आकर खड़ा हो जाएगा। आपका अपना शोरूम है और गारमेंट्स का शोरूम है तो उसमें मिरर भी लगाए जाते हैं, लुकिंग मिरर भी लगाए जाते हैं। लुकिंग मिरर आपने कहाँ लगाने, लुकिंग मिरर आपने ईस्ट वॉल पर, यहाँ पर डिस्प्ले बनाते हैं तो डिस्प्ले भी, और इसके साथ में कुछ एरिया कट करके यहाँ पर आप अपना मिरर लगा सकते हैं। ऐसे ही और मिरर लगाना है तो आप एक मिरर आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यानी दोनों मिरर आपके ईस्ट वॉल पर आएंगे। आपने अपने शोरूम में ट्रायल रूम कहाँ बनाना है, ट्रायल रूम आपने अपने शोरूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, यहाँ पर आपने अपना ट्रायल रूम बनाना है। यहाँ पर ट्रायल रूम में जो मिरर लगाना है वो मिरर आप नॉर्थ वॉल पर, यहाँ पर नॉर्थ वॉल पर मिरर लगाएं या ईस्ट वॉल पर मिरर लगाएं। ट्रायल रूम के दरवाजे के ऊपर बाहर के भाग में मिरर नहीं लगाना है। आपके यहाँ ट्रायल रूम में दरवाजे के ऊपर यदि मिरर लगा हुआ है तो आपके यहाँ कंप्लेंट भी बहुत ज़्यादा आती है, कस्टमर आपके यहाँ बार बार माल बदलवाने के लिए आता रहता है, कोई ना कोई डिफेक्ट उस माल के अंदर होता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने कभी भी अपने यहाँ ट्रायल रूम के दरवाजे के ऊपर मिरर नहीं लगाना है। आपका अपना शोरूम अपर ग्राउंड भी है और लोअर ग्राउंड भी है, और उसमें आपने अंदर से स्टेयर्स बनानी है, वो स्टेयर्स आपने ईस्ट साउथ ईस्ट के भाग से यहाँ से बनानी है। यहाँ पर आपकी अपनी एक लैंडिंग बन जाएगी और यहाँ से आप स्टेयर्स से डाउन जाएंगे, यहाँ से आप अपना लोअर ग्राउंड में जाने का रास्ता बनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर लोअर ग्राउंड में सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए। यहाँ से स्टेयर से आप नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं, यानी लोअर ग्राउंड पर आ जाते हैं, और यहाँ से आप अपना फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। इसमें एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है, जो आप यहाँ पर स्टेयर्स बनाएंगे ईस्ट में पूर्व दिशा में जो स्टेयर्स बनाएंगे वो वुड की स्टेयर्स बनाएं या MS की स्टेयर्स बनाएं, स्टील की स्टेयर्स बनाएं, RCC स्टेयर्स आपने नहीं बनानी। आपने अपने यहाँ पर जो स्टेयर्स बनानी है वुड की या SS की बनानी है, RCC की स्टेयर्स नहीं बनानी है। जिसके शोरूम में ईस्ट में RCC की स्टेयर्स बनी हुई है वहाँ पर हमेशा ही ओनर परेशान रहता है। किन किन बातों से परेशान रहता है, जिस कंपनी से उनके पास माल आता है, जो माल उनके पास आना चाहिए वो माल प्रॉपर नहीं आता, और जिस हिसाब से उनके यहाँ कस्टमर आना चाहिए, जैसा कस्टमर आना चाहिए वो कस्टमर नहीं आता, और इसी के साथ ओनर अपने स्टाफ को लेकर भी परेशान रहता है, उनका अपना स्टाफ भी ओनर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर स्टेयर्स बनानी है तो वुड की या SS की स्टेयर्स बनाएं। अगर आपके यहाँ ईस्ट में पूर्व दिशा में RCC की स्टेयर्स बनी हुई है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि स्टेयर्स के नीचे का भाग 100% खाली कर दें। 100% खाली करने से आपको उसका इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको महसूस होगा कि कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ा है। क्या करने से, स्टेयर्स के नीचे का भाग खाली करने से। ये तो हो गया हमारा अपर ग्राउंड का सेटअप। अब मैं आपको लोअर ग्राउंड के सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। स्टेयर से जब नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद जो आपका हॉल बनता है उसमें आपको स्टोर कहाँ बनाना है। आप किसी भी कंपनी का काम करते हैं, आपको अपने यहाँ पर एक स्टोर भी चाहिए, वो स्टोर आपने साउथ वेस्ट के भाग में बनाना है, यानी साउथ साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना स्टोर बनाना है। स्टोर के अंदर रैक लगाने हैं तो रैक आपके साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर आपके अपने रैक आ जाएंगे, और फ्लोर के ऊपर फर्श के ऊपर भी आप माल रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर की जो एंट्रेंस करनी है वो यहाँ से आपने स्टोर की एंट्रेंस करनी है। यहाँ पर भी आपने एक ट्रायल रूम बनाना है, वो ट्रायल रूम आप साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर बनाएंगे और उसका जो डोर है वो यहाँ से होगा। ट्रायल रूम के अंदर भी आपने मिरर लगाना है, वो मिरर आप नॉर्थ वॉल पर और ईस्ट वॉल पर लगाएं, साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर आपने कभी भी मिरर नहीं लगाना है। आपने अपने यहाँ पर जो डिस्प्ले करनी है स्टोर के बाहर के भाग में साउथ की वॉल पर, यहाँ पर आपकी अपनी डिस्प्ले हो जाएगी,
यहाँ पर भी आपकी अपनी डिस्प्ले बन जाएगी, यानी वेस्ट में भी आपकी अपनी डिस्प्ले होगी और आपकी अपनी साउथ में भी डिस्प्ले होगी। साउथ और वेस्ट में हैवी डिस्प्ले होगी, और जो आपका अपना फ्रंट का नॉर्थ का भाग बना हुआ है, जो ग्लास लगा हुआ है, यहाँ से आप कोई एंट्रेंस नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी अपनी कंप्लीट डिस्प्ले बने, तो यहाँ पर भी आप अपनी डिस्प्ले बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी अपनी जो डिस्प्ले होगी वो बिल्कुल लाइट वेट की होगी, ये आपकी अपनी लाइट वेट की डिस्प्ले होगी। शोरूम के अंदर आपने मिरर लगाना है, तो यहाँ पर आप मिरर नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर इस जोन में आप अपना मिरर लगा सकते हैं। मिरर जब भी लगाए तो मिरर बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें चेहरा ना तो मोटा दिखना चाहिए ना ही पतला दिखना चाहिए, जैसे एक्चुअल है वैसे ही आपका अपना मिरर के अंदर प्रतिबिंब नजर आना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर जो काउंटर बनाने हैं वो काउंटर आपके अपने ये एल शेप में आपके अपने काउंटर हो जाएंगे। इसको सिंगल पीस में बनाना चाहते हैं तो सिंगल पीस में बना सकते हैं, और डबल पीस में बनाना चाहते हैं तो आप डबल पीस में भी इसको बना सकते हैं। यहाँ से इसको आप डबल पीस में भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपका अपना स्टाफ खड़ा हो जाएगा और सामने आपका अपना कस्टमर आ जाएगा, ये आपका अपना कस्टमर होगा। आपने अपने यहाँ पर सेकंड ट्रायल रूम बनाना है तो आप अपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के भाग में इस हिस्से में भी आप अपना ट्रायल रूम बना सकते हैं। यहाँ पर भी मिरर लगाना है तो नॉर्थ वॉल पर और ईस्ट वॉल पर ही मिरर लगाना है, साउथ वॉल और वेस्ट वॉल पर आपने भूलकर भी मिरर नहीं लगाना है। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी रखना है, पीने का पानी आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में इस हिस्से में भी रख सकते हैं और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के हिस्से में यहाँ पर भी आप अपना पीने का पानी रख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि अपने शोरूम के बाहर के भाग में पीने का पानी रखना है तो पीने का पानी आप यहाँ पर, यानी अपर ग्राउंड पे, यहाँ पर भी आप अपना पीने का पानी रख सकते हैं। इस प्रकार आप अपना अपर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड का गारमेंट का शोरूम बना सकते हैं। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, आप इन बातों को ध्यान से सुने, समझे और अपने शोरूम में अप्लाई करें। मेरा अपना ये मानना है कि इस प्रकार से आप अपने शोरूम का सेटअप करते हैं तो आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपने अपना शोरूम बनाया हुआ है और आपका जो शोरूम बना हुआ है, जो सेटअप मैंने बताया, इसका रिवर्स उल्टा बना हुआ है, तो आप नोटिस करें कि आपका शोरूम कैसा चल रहा है। यदि आपको लगता है कि आपके शोरूम में वर्किंग अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, तो आप इस प्रकार अपना सेटअप करके देख सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि आपके यहाँ रिजल्ट अच्छे जरूर मिलेंगे। मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपना सेटअप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपने यहाँ पर साइट विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी साइट का हमारे यहाँ से लेआउट बनवाना चाहते हैं, मैप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है, आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।
इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।